तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भाई अपनी वॉइस को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। इसका नाम है इजी वॉइस रिकॉर्डर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो सिंपल से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो सिंपल से यहाँ पर आपको रिकॉर्ड और लिस्टन का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको थ्री डॉट से सेटिंग्स ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर MIC प्रीसेट पर आपको क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको म्यूजिक एंड राउ कर देना है, और साउंड क्वालिटी में आपको हाई रखना है। फिर आपको ट्यूनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपल जो रेट होती है उसको ही आपको रहना है, मतलब 44 जो सिंपल रेट है उसी को आपको रखना है। फिर आपको यहाँ पर भाई अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है, जो भी आप म्यूजिक मतलब कुछ भी बोलते हो वो आपको यहाँ पर सिंपल सा रिकॉर्ड कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर भाई आपसे मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में अच्छी वॉइस नहीं आ रही है, तो वापस आपको सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ से सेटिंग्स ऑप्शन पे जाकर MIC प्रीसेट में आपको मीटिंग एंड लेक्चर कर देना है। ओके, फिर आपको अपनी वॉइस सुनना है। अगर यहाँ पर भी आपकी वॉइस अच्छी नहीं आती है तो आपको और चेंज करना है, वो करना है मैं बताता हूँ। थ्री डॉट के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर नॉइस रिड्यूस को आपको ऑन कर देना है। फिर आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो यहाँ पर आपकी जो नॉइस होगी बाहर की, जो कि वो काफ़ी हद तक मतलब रिमूव हो जाएगी, मतलब पूरी नहीं होगी लेकिन काफ़ी 90% तक आपकी जो नॉइस है वो रिमूव हो जाएगी। इजीली आप इससे अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद में आपको आना है लेक्सिक ऑडियो एडिटर में। यहाँ पर ओपन के ऑप्शन से आपको अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर लेनी है। ओके, फिर आपको यहाँ पर सिंपल सा आपको भाई प्ले करके देख लेना है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, और इस वाले वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो को देखकर भाई आप अपनी वॉइस को एकदम क्लियरिटी के साथ में, अब कुछ इस प्रकार की मेरी वॉइस है जिसको मेरे को अच्छी तरह से एडिट करना है। तो सिंपल सा आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नॉर्मलाइज, सिंपल सा आपको इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, फिर यहाँ पर आपकी वॉइस कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। तो सिंपल से यहाँ पर होने के बाद में यहाँ पर आपको नॉइस रिड्यूस के ऑप्शन पर आना है वापस थ्री डॉट से, और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर सिंपल सा आपकी वॉइस कुछ इस प्रकार की हो गई है, यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, और इस वाले वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो को देखकर भाई आप अपनी वॉइस को एकदम क्लियरिटी के साथ में बना सकते हो, जैसे कि आप भाई अभी सुन पा रहे हो एकदम क्लियरिटी। अब यहाँ पर मेरी वॉइस कुछ इस प्रकार की बन चुकी है, खास तौर पर इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी है, अपने लिए काफ़ी अच्छी है। और सेव करने का प्रोसेस आपको पता है, सेव के ऑप्शन पर जाकर उसे आपको सेव कर लेना है। और नॉर्मलाइज के ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो सिंपल सा आप जब वो करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वॉइस कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाती है वो एकदम बराबर हो जाती है, तो उस ऑप्शन को हमेशा आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अब जो मैंने आपको इजी वॉइस रिकॉर्डर के बारे में बताया था वो वैसे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में काम नहीं करता है, लेकिन जब आप कायर मास्टर में वॉइस ओवर करते हो तब आप उसका यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हालांकि इतना समझा नहीं पाया लेकिन फिर भी कोशिश की है, तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।